नमस्कार दोस्तों, PBR स्टडी आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ रोचक तथ्य जो आप जानते होंगे, सुने होंगे, लेकिन शायद आप भूल चुके होंगे। तो आज उन्हीं बातों को हम आपको याद दिलाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला और फिर बताते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, ये पहले के ज़माने में इसको लखपेड़वा कहा जाता था और अब ये कृषि उद्यान केंद्र बन चुका है। दोस्तों यहाँ पर लाखों की संख्या में पेड़ पौधे हुआ करते थे और अब जो इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर गिने चुने पेड़ पौधे बचे हुए हैं। दोस्तों तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं यह हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी हैं। इनकी पत्तियाँ, फूल, फल, जड़ें, सब कुछ तो काम आता है, यानी कि मरकर भी तो ये हमारे काम आते हैं। जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं हम लोग उनको जला करके ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और जब ये हरे भरे होते हैं तब हमें फल देते हैं। पूरा जीवन बहुमूल्य ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, धूल धुएँ, गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। इतना ही नहीं, आप लोग आयुर्वेद में, वेद पुराण में देख सकते हैं पेड़ों की महिमा गाई गई है। आम जो कि फलों का राजा कहा जाता है और आपके भारत देश का एक राष्ट्रीय फल भी है, तो भाई आप लोग क्यों इससे दूर हो रहे हैं? ये तो आप लोगों का भी कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। आप ये देख रहे हैं ये कृषि उद्यान केंद्र बन चुका है और यहाँ पर अब खेती भी होने लगी है। ये कभी पहले लखपेड़वा कहा जाता था, यहाँ पर 1,00,000 पेड़ की संख्या हुआ करती थी और वह भी सिर्फ आम, महुआ, नीम, पीपल, बरगद की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवन के लिए एक विशेष भूमिका निभाने वाले पेड़ होते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, पहले से भी आप लोगों को मालूम है कि प्रदूषण नाशक वृक्ष प्रदूषण को नष्ट करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ, साफ एवं समृद्ध बनाते हैं। पीपल और बरगद जैसे वृक्षों में धूल धुआं सोखने की असीमित शक्ति होती है। इतना ही नहीं, पीपल 4.15% तक धूल धुएं और प्रदूषण को सोख करके आपको स्वच्छ एवं साफ ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और दोस्तों आप लोगों को हम और भी बताना चाहेंगे कि आप लोग पेड़ पौधे बहुत देखते होंगे, ऐसे वीडियो भी बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कोई पेड़ पौधा रोपित किया है, लगाया है या नहीं? ये सभी हमारे पूर्वजों की देन है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह एक प्राकृतिक, एक ऐतिहासिक जगह है जिस पर हम चल रहे हैं। ये पहले के ज़माने में कुआं हुआ करता था, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितना भारी सा कुआं है ये, और अब ये कुआं बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, यहाँ पर इसका कोई यूजेज नहीं है। इसके सामने कितनी सारी झाड़ियाँ उग चुकी हैं और इसमें बहुत से जहरीले जीव जंतु भी रहने लगे हैं। लेकिन इस कुएं से आप जानते हैं, दादी दादा लोग बताते हैं कि जब पहले बैलगाड़ी से वो लेकर के चारे और बहुत से सामान आया करते थे, तो उस समय वो लोग इस कुएं पर बैठकर, इस कुएं की जगह पर, इन सीढ़ियों पर बैठकर पानी पिया करते थे। और यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे फल होते थे, असंख्य और अनलिमिटेड जिसे बोलते हैं आप लोग, कि लोग जी भर के फल खाते थे और इन छाया में रह करके दोपहर बिता करके और फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन आज के समय में दौर बदल चुका है, लोग एसी, कूलर और आधुनिक उपकरणों की आड़ में इन प्राकृतिक और बहुमूल्य चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, खुद ब खुद ये सब नष्ट होते भी जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज़ की एक आयु होती है, एक निश्चित उम्र होती है। आप देख रहे होंगे ये बहुत से पेड़ स्वतः सूख रहे हैं और स्वतः गिर जा रहे हैं। एक सर्वेक्षण में पता चला है कि एक स्वस्थ पेड़ जो शीतलता देता है वह 10 AC अगर लगातार 20 घंटे तक चलती है तब जाकर के आपको मिलती है। घरों के आसपास लगे पेड़ AC की जरूरतों को लगभग 30% तक कम कर देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक पेड़ लगभग 3,00,000 रुपए मूल्य की भूमि की नमी को बनाए रखता है और 2.5 यानी कि 2,50,000 रुपए मूल्य की ऑक्सीजन तथा 2,00,000 रुपए मूल्य के बराबर प्रोटीन का संरक्षण करता है। आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, हम आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं। दोस्तों
एक जो पेड़ होता है, यानी जैसे पीपल का पेड़, नीम, बरगद, आम का पेड़, वह एक पूरे जीवन काल में लगभग 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए की मुफ्त की ऑक्सीजन आपको देता है। कहने का मतलब, अगर आप लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदे हों तो आपको मालूम होगा कि उसकी प्राइस क्या होती है। और एक पेड़ जो मुफ्त में आपको ऑक्सीजन देता है और शुद्ध वायु प्रोवाइड करता है, क्या उसकी कोई कीमत नहीं होती है? लेकिन आप जानते हैं, अगर पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो आप जो ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है भाई। और आप लोगों को बीच बीच में हम याद दिला दें तो उत्तराखंड की 2013 की तबाही और केरल की 2018 की तबाही को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अब वक्त आ चुका है सोचने, समझने और इस पर विचार करने की। हम जैसे बेवकूफ़ बहुत कम मिलते हैं आपको, जो चिल्लाते रहते हैं। बहुत से लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं, कुछ तो सोचेंगे कि बेवकूफ़ है, बिना मतलब के चिल्लाया जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप लोग इस बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आपके घर भी जल्द ही पहुँचने वाली है। और वह दिन दूर नहीं, वह समय दूर नहीं, जब आपके घर में भी वह आग लग जाएगी और फिर आप चाह कर भी उसे नहीं बुझा पाएंगे। जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये स्वतः टूट करके यहाँ पर गिर चुका है, और इसे आप देखें तो ये किसी के द्वारा काटा नहीं गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वन विभाग के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। और ये टूट करके देखिए तो इनकी जड़ें फट करके ये खुद ब खुद गिर चुका है। क्यों गिर गया है? क्योंकि इनकी सबकी जो आयु है वह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और इस वजह से अब ये पेड़ खुद ब खुद टूट कर गिर रहे हैं। दोस्तों, इनके स्थान पर कोई दूसरा पेड़ प्रत्यारोपित करना, लगाना हम लोगों का कर्तव्य होता है। लेकिन इनमें से कितने लोग करते हैं यह आप लोग खुद ही जानते हैं। भारत अनुसंधान परिषद के आकलन के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर के वन से 1.41 लाख रुपये का लाभ होता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, भारत अनुसंधान परिषद के एक मोटे आंकड़े के मुताबिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख पेड़ों से, मतलब 1 हेक्टेयर के जो पेड़ होते हैं उससे लगभग 1.5 लाख रुपए का लाभ होता है। और भी बहुत से महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और परीक्षण हुआ करते हैं, जो आप लोग देखते होंगे टीवी चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर देखा करते होंगे। दोस्तों, इसमें बहुत से आपको सर्वेक्षण और परीक्षण की बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझते हैं पेड़ हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। जब तक ये रहते हैं तब तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जब ये सूख जाते हैं तो मर करके, जल करके अपनी लकड़ियों के द्वारा आपको ऊर्जा यानी कि ईंधन प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें तो पृथ्वी पर लगभग अभी भी बहुत से भारी मात्रा में पेड़ों की संख्या उपस्थित है, लेकिन वह ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनकी कोई ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब, जहाँ पर आबादी है पेड़ों की संख्या उधर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर आबादी है लोग हाईवे, मल्टी सेक्टरल कंपनियाँ और फैक्ट्रियाँ बनाने के चक्कर में पेड़ों को नष्ट करते जा रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और अन्य देशों की सरकार से विशेष विनम्र निवेदन है कि आप लोग शहरों को डेवलप करिए, विकसित करिए, सड़कों को बनाइए, हाईवे को बनाइए, कंपनियां लगाइए, फैक्ट्रियां लगाइए, लेकिन नदियां, पहाड़, पेड़, वन, इन सब को नष्ट करते हुए अगर आप लोग ये सब करते हैं तो आप, मैं आपको ताज़ा ताज़ा उदाहरण दिखाता हूं, केरल और 2013 की तबाही उत्तराखंड की, इसको मत भूलिएगा। आपकी डेवलप की हुई स्मार्ट सिटी और डेवलप की हुई जो भी चीज़ें रहेंगी, अगर प्रकृति रूठी तो क्षण भर में ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। आप अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देंगे, अपनी 5 साल के बदले 10 साल की सरकार का पूरा टाइम उसमें लगा देंगे डेवलप करने में, लेकिन फिर भी प्रकृति को मात्र 10 मिनट लगेगा आपका सब कुछ तबाह करने में। आप लोगों ने देखा होगा केरल के लगभग 10 जिले पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। वहाँ पर ना तो अब कोई जीव जंतु बचा है और ना ही कोई इंसान बचा है, यानी कि 10 जिले। दोस्तों, आप लोग टीवी चैनलों और न्यूज़ चैनलों पर देखते होंगे केरल के लगभग 10 से अधिक जिले पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर के घर, जीव जंतु, इंसान सब के सब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। और हमारे देश के जो जवान हैं और जो फौजी भाई हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको आसमान से उतर कर देवदूत बन करके और फिर ऊपर आसमान में ही रस्सी के सहारे ले जा करके हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज़ में बैठा करके दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं। यह प्रक्रिया आप लोग प्रतिदिन न्यूज़पेपरों में देखते होंगे, लेकिन कभी यह नहीं सोचते होंगे कि यह दशा कभी हम पर भी गुजरेगी। अभी सोचिए जनाब, टाइम है। ये आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल,
जहाँ भी अभी आपके स्पेस बचे हुए हैं भारत देश में, वहाँ भी ये हालात होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को शायद अभी नींद से उठने का टाइम नहीं, जागो मेरे भाइयों, जागो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन लोगों को जागरूक करिए। एक लोगों के जागरूकता फैलाने से जागरूकता नहीं फैलने वाली है भाइयों। और जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बताते हैं, क्या आपने कोई पेड़ लगाया है? तो मैं उन लोगों को दिखाने के लिए एक नहीं, अपने पूरे जीवन काल में लगभग, मैं इस समय मेरी आयु जो होगी लगभग 20 से 21 साल होगी, और 20 से 21 साल में हमने कम से कम 8-10 पेड़ अवश्य लगाए हैं। उसको आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा भी होगा। और जो लोग देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उनको लिंक देंगे और वो उन पेड़ों को देख सकते हैं। तो भाई समझिए, सोचिए और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे घरों में और ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उन लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में भी बीमारियाँ आती हैं। ऐसा आप एक नहीं हज़ारों में अनुभव कर सकते हैं। एक गरीब मजदूर जो सड़क के किनारे भी अपनी रात गुजार देता है, उसको कभी मधुमेह, मोटापा और बहुत सी भयंकर बीमारियाँ, कैंसर वगैरह उसको जल्दी से नहीं होता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे, जो लोग एसी कूलर और 24 घंटे बिना किसी टेंशन के अपना बिताते हैं, किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं होती है, वो ज़्यादा बीमारियों से घिरे होते हैं। क्यों? क्या आप जानते हैं, जो आपके एसी से हवा निकलती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी 50% तक कम हो जाती है। और दोस्तों, पहले के ज़माने की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मॉडर्न ज़माने में है तो हम कल की बात क्यों करें। लेकिन इतना ज़रूर आप लोगों को आग्रह करना चाहते हैं, सुझाना चाहते हैं कि पहले के समय से आप लोग तुलना ज़रूर करिए। अगर आप पहले की वास्तविकता को भूल जाएंगे, अपनी विरासत को भूल जाएंगे, तो यह भी अच्छा नहीं है। तो भाइयों, अब हमारी लगभग बातें पूरा हो चुकी हैं। आप लोगों को ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा? ये एक ऐतिहासिक कुआं है जो पहले हुआ करता था, चलता था। इसमें लोग पानी पिया करते थे और इतना शीतल और ठंडा पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते थे। आज ये कुआं बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, वक्त और गुजरते हालात ने इसके उपयोग को ख़त्म कर दिया है। मैं इस धूप में दोपहरी में आकर के यहाँ चिल्ला रहा हूँ, तो हमारी बातों को समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमसे ज़्यादा काफ़ी समझदार हैं। तो अगर हमने कुछ बुरा बोला तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा करिएगा। लेकिन हाँ, चलते चलते अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लोगों में शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। और अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस मुहिम से भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो इस मुहिम में जुड़ें, अपना योगदान दें, अपना साथ दें। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बस इतना चाहिए कि आप लोग केवल सपोर्ट करें, और इस सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें आपसे बस इतना ही चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं सपोर्ट और हेल्प के नाम पर हम किसी से पैसा मांग रहे हैं। बहुत से लोगों का हमारे पास कमेंट मैसेज आता है, सर कितना चाहिए, क्या चाहिए? तो मैं उन लोगों के लिए आगाह करता हूँ कि भाइयों, आप लोगों के द्वारा दिया हुआ भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप लोग अपना सपोर्ट करें और सहयोग करें। इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अब चलते हैं फिर आगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शाम को आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, रात्रि जो चलती हैं, ठीक है। रात्रि में हम इलाहाबाद पहुँचने वाले हैं। अभी तो हम सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र के सुरेश नगर बरासीन, ये निकट में गंगा गोमती का पुल भी बना हुआ है, गोमती जी का, तो यहीं पर हैं। ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, ये कृषि उद्यान केंद्र यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र बन चुका है। अब लखपेड़वा नाम इसका ख़त्म हो चुका है दोस्तों, कृषि उद्यान केंद्र नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के इसौली विधानसभा के बरासीन कोटली ग्राम क्षेत्र का कुछ नज़ारा। अब ये सेशन यहीं पर एंड होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय। तो ये आप देख रहे हैं नर्सरी है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित। यहाँ पर काफ़ी नए प्रजाति के पेड़ पौधे भी तैयार किए जाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं दूसरी साइड में, ये कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है। जल्दी यहीं पर इसका सारा कुछ मैनेजमेंट होता है।